वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। क्या तरीक है आज? तरीक मैं सब थे पूछूं, वैसे 26 तरीक है और दिन है संडे, वो है सोनम और आप चल रहे हैं जी चंडीगढ़ ससुराल में। आपको नए से नए ब्लॉग दिखाने की कोशिश करेंगे जी। सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया, अब ये था कि चंडीगढ़ जाते वक्त कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो चलो जी, गड्डी हुण चल रही है अपने सोहरियां वल। फाइनली चलो जनाब का, मतलब कि हमारे ससुर जी हैं, मैं उनको जनाब कहता हूँ क्योंकि वो चंडीगढ़ पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो उनको मैं जनाब कह के हमेशा से बात करता हूँ। और तो उनकी ना आईज का ऑपरेशन हुआ है जी, दोनों आंखों का, गरेवाल से। तो उनको एक मिलने के लिए जा रहे हैं, एक रात रुकेंगे, कल वापस आ जाएंगे और आपको नया नया कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे चंडीगढ़ का। ठीक है जी, मिलते हैं साथियों। लो जी, पहुंच गए टोल टैक्स मिल्क माजरा हाईवे पे। पहला टोल आ गया, चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। आप सबको बताएं, और खाली मखाने कल खान दे रहा था, तो यहाँ से देखा जाएगा भाई। रुक गए जी थोड़ी देर, चाय पीवांगे। चंडीगढ़ पंचकूला कितनी दूर है? अभी उरे है, लगेंगे 15 मिनट में पहुंच जाएंगे जी हम। हम बस यहाँ से पंचकूला है 20 किलोमीटर। ढाबा है फू लवली टूरिस्ट ढाबा। चाय पिए तू भाई? चाय बनाइए एक यार, एक कप। हाँ जी हाँ, एक कप चाय बना दो आप। बना दो जाके क्या करना है? वहाँ जाके पापा को सरप्राइज देना। जनाब को पता नहीं? उन्हें कहाँ बताया, क्या पता पता लगते हैं? नहीं है? और ठंड हो रही है जी बहुत ज़्यादा और भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे यहाँ पे ना कपाल मोचन पड़ता है बिलासपुर के अंदर, और यहाँ मेला भरा हुआ है जी जो हर साल भरता है। और ये पंजाब का सारा ट्रैफिक, मतलब सारे रूट चल रहे हैं जी, अम्बाड़ा से यमुनानगर वाला और पंचकूला से यमुनानगर वाला, सारों में पूरी भीड़ हो रही है। तो ध्यान से चलें, गड्डी गुड्डी देख के चलाएँ भाई, है ना। तो मिलते हैं साथियों। ओके ओके, क्या कर रही है सोनम? बिला क्या गा एक घंटे से? क्या तेरे लिए एक शायरी मार दो? हाँ चल मार। चाय पीते पीते के जो तो नूर है तू मेरी अखियां दा, तेरे तो किनारा हो सकता है? अच्छा जी, तू आप सियाणा है, सोचता सही। हाँ। तेरे बाद खसारा हो सकता है? नहीं हो सकता पाजी। ओ भी सकता साला, टाइम दा कुछ पता नहीं हो सकता, है ना। अपने घर के लिए ले रही है सोनम फ्रूट। यार कितने महंगे फ्रूट कर रखे हैं, महंगे ही हैं भैया। ठीक लगा लो, जायज रेट लगाया है। महंगे से ले तो ही तो तन्ने भी लगा वहां तो कुछ। अरे लेने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अच्छा हाँ। ये भी सही बात है, कमाल है। ले ले कुछ भी ले ले, बीच के कर दो अच्छे से, जिसमें थोड़ा जूस वाला हो, जूसी हो थोड़ा। क्या क्या कराया? सेब संतरा। हाँ। ये कितने के हैं? तो पहुंचने वाले हैं जी जीरकपुर पूरे 2 मिनट में। सोनम और की कॉलोनी से सिर्फ 2-3 किलोमीटर पीछे हैं सोनम। ये जो टूर है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा व्लॉग है कि ये सरप्राइजिंग मतलब व्लॉग है इसके, मतलब घर में पता नहीं, मतलब कि सोनम मम्मी पापा को जनाब और को नहीं पता कि सोनम आ रही है मिलने के लिए। अब वहाँ जाके देखेंगे कि किस हिसाब से वीडियो बनानी है जी। सबसे पहले पिंगा झामने ओखा जाता है। अरे ठीक है ले ले यार। कौन सा मंदिर है सोनम तुम्हारे घर घर के पास? शिव मंदिर। शिव मंदिर आई कभी यहाँ पे तू? शिव मंदिर ये फाटक आ गई, शुक्र खुल रही फाटक है ना। ये वैसे खुल ही रहा है, लोकल है ना, भीड़ के उसमें है, क्राउड एरिया है ना सारा, ये मार्केट के आसपास वाली फाटक है ना, वैसे जल्दी आना जाना करा के रखते हैं, खोल के रखते हैं। फिर भी कई बार काफी जाम। हाँ जाम लग जाए फिर तो लग ही जाए। लो जी पहुंचने वाले हैं पूरे 1 मिनट के अंदर सोनम के घर पे, और सोनम कैसे सरप्राइज देगी अपने मम्मी पापा को वो तो यही बताएगी। मेरे को तो सिर्फ मोबाइल पकड़ के पीछे खड़ा होना है है ना। और फटाफट इसको एंटर करा के घर में मैंने हुक्का पीना है ना। चलो जी मिलते हैं साथियों, देखना जरा क्या होगा क्या नहीं। लो जी पहुंच गए सोनम के घर के बाहर बिल्कुल, और सरप्राइज देखते हैं क्या कहते हैं इसके पापा। और सोनम चल
चल ये देख प्रॉन्स। कैसे हो ये गली के बच्चे? हाँ मेरे गली के बच्चे। और पुत्र ठीक हो? सरप्राइज सरप्राइज। मम्मी सामने देख रही है रसोई में। देख लिया मैंने, देख लिया। वीडियो बनवा रही है। नमस्ते सरप्राइज। यस बस सोनम ने बोला भी मिलके सरप्राइज देना, मैं ब्लॉग बना लेता हूं। ठीक है। हां जी मैं कल का पता रिचार्ज है, कोई ना खींच लिया है। हां अच्छा ऐसे अजी लग रही भूख बहुत ज्यादा। और केएफसी आए हैं, केएफसी सेक्टर पता नहीं 20 सेक्टर है, 20 सेक्टर पंचकुला केएफसी। भूख लग रही बहुत ज्यादा, पेट में भी लग गया दर्द मारन। आ जा भाई तू कह जाएगी देख लेना मीनू। चिकन वाला तो नहीं है कुछ? नहीं वेज। मैं तो चिकन खाऊंगा भाई, सही बात है। मैं चंडीगढ़ है, कभी अगर घर की रोटी खानी पड़ेगी फिर क्या फायदा। दे दो ऑर्डर, क्या लेना है फिर? ऑर्डर हो गया हमारा, ऑर्डर था हमारा हो गया। एक तो वेज राइस बाउल था, एक बर्गर था और दो चिकन ब्रेस्ट थी। फ्रंट कैमरे वाले का मुंह बना। ऑर्डर हो गया। मैम थी यहाँ पे, उनको पता है हमारा ऑर्डर। तुम भी डर रहे थे, पता नहीं वीडियो क्यों बना रहे। अरे व्लॉगिंग कर रहे हैं यार, बना बनो नहीं डर जाए। हो गया मैम टेक अवे। और कुछ कराना है? कोल्ड ड्रिंक करेंगे तुमने अपने? हैं ओके यार लगता है। ओ भैया मेरा सवेर तो रहा, सवेर की रोटी खाई आज मैंने, पहली बार रोटी खाई सवेर की। सोचता रहा मैं ये कौन सा सेक्टर है? 20 सेक्टर पंचकुला है। हो गया ठंडी है मैम। नैपकिन ना टिश्यूज थोड़े ज़्यादा डाल देना। मेरा तो ठीक हो गया थोड़ा पेट में दर्द। सही माँ फर्क तो पड़े ही है। हो गया मैम। यार लौंग की खुशबू आ रही है। हाँ लौंग की खुशबू। रह गया कुछ? कुछ रह गया? रह गया होगा कुछ। कुछ कहना चाहोगे मैम? कुछ ऑडियंस को कहना चाहोगे? क्या मिलता है फिर? हमें गिफ्ट मिला है लेट होने की वजह से। फ्री मिला है। इतनी किस्मत कहाँ अच्छी है हमारी। हो गया ये हो गया एक बारी सब हो गया डन। चलो चिकन वही मिले। तो मैं चिकन लवर्स को एक बात बताना चाहूँगा, हम सेक्टर 20 पंचकुला आए जी केएफसी का। मैंने अपना चिकन दो ब्रेस्ट करानी थी और सोनम का थोड़ा वेज था, नॉन वेज नहीं खाती। तो इन्होंने हमें ना 10 मिनट का टाइम दिया था कि 10 मिनट अपना हमें अपना ऑर्डर ले जाओ, हम थोड़ा सा थोड़ा इधर उधर घूम के आए, थोड़े फ्रूट्स लेने थे। और उसके बाद ये लेट हो गया मैम 20 मिनट। मखा जी हम तो 10 मिनट पहले आ गए थे, कहते सॉरी सर आपको हम हमारी वजह से हम लेट हुए हैं तो ऑर्डर नहीं दे पाए। तो एक आपको चिकन विंग्स फ्री, यमुनानगर में तो अपने को फ्री मिले नहीं पर पूरा जरूर मिल दिया भाई। चलो ठीक है जी मिलते हैं, कैरी ऑन सर। दिखा अच्छा क्या क्या है? ये तो वही फ्री वाली चीज़ है। फ्री क्या विंग्स हैं? चिकन विंग्स मेरे हैं तो मेरा साइड में रख दे, मेरा ही है डब्बा है। फ्री वाली चीज है ना ये, मेरे राइस बाउल है।
बाकी ना उसके काम कर तू, रहने दे। और एक बर्गर है, चिकन ब्रेस्ट है, उसको रहने दे, मैं इसको पहले खा लेता हूँ। बस इसको आप पहले खा लो। अच्छा, अब तो अपने घर आके तो खुश हो जाती है वैसे। हाय, पूछो मत। एक मिनट, आप सब बताओ यार, आफ्टर मैरिज सब लड़कियां खुश होती हैं अपने घर जाके यार, बिल्कुल बताना। देख, मैं तो खुश होती हूँ, आप भी सब खुश होते होंगे यार। ठीक है जी, जिन जिन के ब्याह है उसका जवाब देना, है ना? मैं तो ये जवाब ऑन रिकॉर्ड दूंगा नहीं। हो गया भाई, ले 100 रुपए, 10 पेन तेरे लिए, ये कुछ दिखाने के लिए नहीं। अगर तू ये ना कहता ना, मेरे को 5 रुपए का पड़ा 10 का बेच रहा हूँ, तू ये कहता ना 8 का पड़ा 10 का बेच रहा हूँ, तो शायद होता। अभी तो तेरे को टाइम लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करने में। बाकी ठीक है, ओके, जा जा मेरे भाई। ओहो सांगवान जी, फाइनली की आपका तो खाना आ गया। जन्मदिन आज मेरा है। मेरा जन्मदिन आज। ला, जन्मदिन क्यों है? वैसे कह रहा हूँ। फाइनली क्या चीज है ये? चिकन करी और अपना तंदूरी रोटी, बटर वाली रोटी। तू भी खा ले। खाई कहाँ से हमने? ये सेक्टर 20 की मार्केट है, द येलो रसोई। सर आना और जरूर खाना, मजा खाओ जी। चंडीगढ़ आए ना, सो रंग के घरों, ससुर जी के घर। ससुर जी तो सो गए, बाकी रोटी बाहर खा रहे। कोई चक्कर नहीं, उन्होंने क्या किया है, जभी गल हो तो बढ़ रहे शिमला मिर्च बाहर ही खाओगे नहीं कर दे। तो ठीक है, सभी को, सभी दोस्तों को दिल से है ना अलविदा करते हैं, आपको राम राम करते हैं, बाय करते हैं, गुड नाइट करते हैं। अब हम सोने लगे हैं, घर जा रहे हैं, बहुत नींद आ गई भाई। सरप्राइज देने आए थे है ना, तो हम ही बेस्ट प्राइज बन गए। खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। फोन भी आ गया है, और सोनम की मम्मी का फोन भी आ गया है कि कहाँ रह गए बेटा। तो ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, गुड नाइट।